हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। मैं भी यहीं पे अच्छी हूँ। आज मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। झारखंड का फेमस कुकरी मशरूम, देसी मशरूम है ना, वो झारखंड में बहुत फेमस है। उसका मैंने आज ग्रेवी बना रही हूँ। कैसे बनाने का वो मैं आपको आज सिखाती हूँ। चलिए फिर किचन में देखिए। मैंने यही है कुकरी, देसी मशरूम। हम लोग बटन मशरूम तो लेते हैं, वो अलग है, लेकिन ये है ना, बारिश का मौसम में बहुत थंडरिंग होता है, उसी टाइम झारखंड में ये बहुत होता है। देखिए इसको बोलते हैं कुकरी बोल के, बहुत टेस्टी भी रहता है, यम्मी है ये खाने में। और ये मार्केट में आते हैं तो आधा घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना लोग इसको पसंद है ना, सब लोग, कितना भी महंगा हो इसको लोग लेके चले जाते हैं। तो आज हम भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा लेती हूँ कैसे इसको इजी वे में बना सकते हैं बोल के। देखिए पूरा मिट्टी रहता है, उसका ऊपर भी देखिए ऐसा रहता है, इसको देखिए ऐसा रहता है, इसको है ना हमको सब निकालना है, इसीलिए वेजिटेबल पीलर रहता है। नहीं तो कुछ भी शार्प का चीज़ आप लेके चक्कू से किसी से भी आप ऐसा निकाल सकते हैं। वेजिटेबल पीलर से है ना जल्दी निकल जाता है, देखिए कितना जल्दी निकल रहा है ना। इसको मैंने 2 मिनट पानी में रख दिया था, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी रहता है इसमें, इसीलिए देखिए इसको फिर हमने अच्छी तरह पानी में धो के क्लीन करना चाहिए, क्योंकि है ना इसमें बहुत सारा मिट्टी रहता है। देखिए अभी कितना क्लीन हो गया ना, अभी देखिए नीचे है सब मिट्टी, कितना है देखिए उसमें। तो ऐसा आपने वेजिटेबल पीलर लेके इसको अच्छी तरह आपने ऐसा निकाल लीजिए। देखिए मैंने पूरा क्लीन करके लेके आ गई, देख लीजिए, और खाने में बहुत टेस्टी रहता है। और इतना फूल जैसा होता है ना उसमें, है ना, कभी कभी कीड़ा होने का भी चांसेस रहता है, इसलिए मशरूम इतना फूल हो गया ऐसा वाला मत ले लीजिए। देखिए ऐसा वाला रहता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें कीड़ा होने का चांसेस बहुत कम रहता है, देख लीजिए। अभी वो मैंने क्लीन करके आ गई है। अभी देखिए कढ़ाई मैंने गैस का ऊपर रख दिया, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया है 5 स्पून। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तेल है ना एकदम, सरसों का तेल गर्म होता है तो आग सब जलता है, इसलिए थोड़ा नमक डाल दीजिए। देखिए वो गर्म गर्म होते ही उसमें मैंने थोड़ा एक लवंग और दालचीनी डाल दी है, और मैंने 2 प्याज काट के रखा था, 2 प्याज को और 1-2 हरा मिर्चा को भी डाल दिया, उसको भी थोड़ा मैंने फ्राई कर दिया। देखिए थोड़ा गोल्डन कलर हो गया, तब मैंने उसमें 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसका भी कच्चा स्मेल चला गया। तब मैंने 2 टमाटर काट के रखा था, वो भी उसका अंदर डाल दिया, उसको भी थोड़ा हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। देखिए ऐसा इसको अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। अभी मैंने है ना 15 कैशू को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 5 मिनट पहले, उसको मैंने अभी डाल दिया है। अभी देखिए 2 स्पून मैंने पोस्ता भी डाल दिया है, पोस्ता भी थोड़ा हमने फ्राई कर देंगे। ये सब है ना ग्रेवी अच्छा थिकनेस देता है। देखिए मैंने छोटा सा स्पून में 1 स्पून मैंने कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल दिया है। अभी देखिए 1 स्पून मैंने मल्टीपर्पज़ मसाला पाउडर डाल दिया है, वो मेरा ब्लॉग में दिया है, चाहिए तो आपको जाके मेरा ब्लॉग में देख सकते हैं। और 1/2 स्पून मैंने हल्दी डाल दिया है, और 1/2 स्पून मैंने होममेड गरम मसाला भी डाल दिया है। देखिए अभी मैंने 3 स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये भी होममेड धनिया पाउडर ही है। ज़्यादातर मैंने स्पाइसी सब घर पे ही बना लेती हूँ। देखिए इसको है ना थोड़ा कच्चा स्मेल जाने तक इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। अभी तो देखिए किसी किसी को गैस हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा इंग भी डालती हूँ। इंग डालते हैं तो गैस नहीं होता है, इसलिए थोड़ा मैंने इंग भी डाल दिया है। इसको भी थोड़ा अच्छी तरह सब मिला के फ्राई किया, कच्चा स्मेल जाने के बाद मैंने इसमें 1 ग्लास गर्म किया हुआ पानी मैंने डाल दिया है। अभी है ना इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करके ढक के रख देंगे। देखिए थोड़ा मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, ये कड़ी पत्ता डालने के लिए मैं भूल गई थी, क्योंकि कड़ी पत्ता का है ना स्मेल बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए। देखिए 2 मिनट के बाद देख लीजिए सब तेल ऊपर आ गया है, तो हमारा ग्रेवी अभी पीसने के लिए रेडी हो गया है। अभी इसका ऊपर मैंने 2 स्पून भूंजा हुआ चना का पाउडर मैंने डाल दिया है, उसको बोलते हैं सत्तू का पाउडर भी बोलते हैं, उसको मैंने 2 स्पून डाल दिया। डालने के बाद देखिए सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट तक उसको भी मैंने फ्राई कर दिया है। देखिए ये है ना अभी पानी सब सूख गया है, इसीलिए नीचे पकड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह आप मिक्स करते रहिए। देखिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डाल दिया है, वही कढ़ाई में मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल के, देखिए सब जगह हमारा मसाला था ना उसको, देखिए एक ब्रश से मैंने उसको सब अच्छी तरह निकाल लिया है। पानी गर्म होने के बाद वो पानी को भी मैंने एक बर्तन में डाल के रख दिया है। अभी सेम वही बर्तन में मैंने फिर 4 स्पून सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ा नमक भी डाल दिया है, वो गर्म होते हैं थोड़ा जीरा डाल दिया है। अभी देखिए जीरा भी फूटते ही उसका अंदर मैंने 2 प्याज को काट के फ्राई करने के लिए डाल दिया है। अभी
देखिए मशरूम काटने का मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए ऐसा छोटा छोटा करके आप काट लीजिए, दो पीस करके। अभी देखिए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर दिया। अभी इसमें मैंने देखिए हरा मिर्चा भी डाल दिया और एक स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अभी इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा मिर्चा भी थोड़ा फ्राई होना चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चा स्मेल भी जाना चाहिए, इसीलिए इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। ये फ्राई होते ही हमने काट के रखा था देखिए मशरूम को, हमने इसका अंदर डाल देंगे। ये मशरूम में है ना, कोई भी मशरूम में थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये पानी सब निकल जाने तक इसको हमने देखिए मसाले में अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। देखिए कितना सारा मैंने, एक थोड़ा भी मैंने पानी नहीं डाला है, लेकिन ये मशरूम का पानी ही देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। ये कच्चा रहते तब हमने मसाला डालते तो अच्छा नहीं रहता है, इसका पूरा पानी सूखने के बाद हमने मसाला डालना चाहिए। देखिए अभी मैंने मसाला सब फ्राई करके प्लेट में डाल के रखा था ना, उसको मैंने अभी पीस के लेके आ गई। देखिए हमारा मशरूम का सब पानी है ना निकल गया था, तभी मैंने पानी निकलने तक हमने इसको फ्राई करते हैं ना, तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट का और प्याज का बहुत अच्छा खुशबू हो जाता है। साथों साथ है ना थोड़ा नमक भी डाल दीजिए, तब क्या हो जाता है हमारा मशरूम में है ना थोड़ा नमक पकड़ेगा तो टेस्ट अच्छा लगता है। देखिए अभी वो सब अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हमने पीस के रखा था वो मसाला भी डाल के इसको 2-3 मिनट तक हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। देखिए अभी मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाल दिया है, उसको भी डाल के अभी हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी का खुशबू है ना बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह देता है। देखिए अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, अभी मैंने गर्म करके रखा था ना पानी, वही पानी को इसका अंदर डाल दिया है। देखिए अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए एक टमाटर मैंने पहले ही पीसने के लिए डाल दिया था, 2 टमाटर, अभी एक टमाटर मैंने ऐसे ही डाल दिए। देखिए ऐसा काट के, मीन्स क्या हमको बाद में खाने में अच्छा लगता है ये, इसीलिए मैंने ऐसा 4 पीस करके उसको डाल दिया है। उसके बाद इसको हमने ढक के सिम में रख देंगे। देखिए तो सिम में रखेगा ना तो मसाला सब बहुत अच्छी तरह हमारा मशरूम में पकड़ लेगा, बहुत अच्छा टेस्टी हो जाता है। देखिए हमारा मशरूम ग्रेवी रेडी हो गया, बस इतना ही है। देखिए हमारा झारखंड का फेमस कुकरी ग्रेवी रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी रहता है ये कुकरी मसाला, आप घर पे बना के देख लीजिए। देखिए उसका ऊपर मैंने थोड़ा धनिया पत्ती भी काट के डाल दिया है, बहुत टेस्टी यम्मी रहता है ये हमारा झारखंड का कुकरी मसाला ग्रेवी, मैंने बताया ऐसा बना के देख लीजिए, बहुत यम्मी टेस्टी रहता है। तो आप भी बना के देख के आपको अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक